जैसी तैयारी है उसकी कामयाबी हमारी जवाबदारी है। जिसकी वापस ध्यान से सुने, जिसकी जैसी तमन्ना और जैसी तैयारी है उसकी कामयाबी हमारी जवाबदारी है, पर जिसकी ना कोई तमन्ना है ना कोई तैयारी है वहां से हमारे भी फ्री रहने की बारी है। देखो मेरी एक बात है, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस अभी वो आज यहाँ पर जागे हुए लोग कितने हाथ करेगा, तो अब एडवांस बिजनेस रेड कारपेट में आपको क्या करके आना है, बिजनेस करके आना है, प्रोग्राम देखने नहीं आना है। एनिवर्सरी तो आप देखने गए थे क्योंकि बराती थे, आपके फेरे नहीं होने थे, राइट है कि वहां तो तालियां बजाने गए थे क्योंकि आपके लिए कोई बजाने वाला नहीं था, लेकिन रेड कारपेट में तो कहते ना वहां नए कपड़े सिला के नहीं गए थे क्योंकि बराती थे, लेकिन यहां तो नए कपड़े भी चाहिए क्योंकि आप क्या होंगे, दूल्हे होंगे, तो दूल्हा कुछ करके आएगा ना, तो बिजनेस करके आएंगे, राइट है ना, अपना भी करके आएंगे, अपनी टीम का भी। आज लीडरों को क्यों बुलाया, क्योंकि मुझे इंजन चाहिए जो कई डब्बों को खींच सके, और यहां पर कौन बैठे हैं, इंजन बैठे हैं। एक रेलवे के इंजन के पीछे 37, 40, 45 डब्बे लग जाते हैं, 50 डब्बे लग जाते हैं, यहाँ तो वैसे शक्तिशाली इंजन है जिसके पीछे 100-100 डब्बे लगा सकते हैं, तो 100-100 को लगाएंगे, राइट है नहीं सर? मतलब कितने लोग में से आप में से कौन इस बात की तैयारी कर सकता है। देखो सेलिब्रेशन तो आपको कैसा चाहिए, आपके दिल में जो भी अरमान हो कैसा सेलिब्रेशन चाहिए। एनिवर्सरी में तो स्टेज पे बुला के खाली ट्रॉफी देते हैं, लेकिन आपको कैसा सम्मान चाहिए, कैसा अरमान है, कैसी ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी चाहिए, कितने वीडियो चाहिए, क्या क्या चाहिए, कितने लोगों के साथ चाहिए, उसका टेंशन आप मत लेना। आप में से कुछ लोग फैसला करो कि मेरी जो पर्ल की पिन छूटी हुई थी अब मैं अपनी पर्ल की पिन लेकर इस रेड कारपेट के प्रोग्राम में आऊंगा। ऐसे कितने साथी हैं जो इस रेड कारपेट में एक महीने में इतना, क्योंकि उनको पिन लाने के लिए कोई 3 महीने का इंतजार नहीं करना, पिन तो उनके पास पहले से ही है, राइट है नहीं सर? उनको तो 5 लाख का, क्योंकि भोपाल में 11 लोग डायरेक्ट पर्ल का बिजनेस करके आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पर्ल की पिन पहले से है, उनकी बड़ी पिनें पहले से है, तो 1 महीने में वो 5 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। यहां पर ऐसे कितने साथी खड़े हो सकते हैं आज जो इस रेड कारपेट में अपना पर्ल का लेवल फाइनल करके आएंगे, और जो रॉयल्टी अचीवर है उनमें से भी जो 5 लाख का बिजनेस कर लेंगे अपनी वीकर लेग में, उनका भी सम्मान एज ए टेक्निकल अचीवर ही होगा, क्योंकि हमें कोई पिन नहीं देनी है, हमें तो सम्मान देना है। तो बोलो कितने साथी हैं जो खड़े हो सकते हैं कि सर हम 5 लाख का यानी टेक्निकल का बिजनेस खड़े होकर बताइए। आप ऊपर आ जाइए सर, एक बार ऊपर आ जाइए, वेरी गुड।